नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी की मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। कुमाऊं मूल का एक और क्रिकेटर अब भारतीय क्रिकेट की ब्लू जर्सी में नजर आएगा। बता दें कि हल्द्वानी के अमरावती कॉलोनी निवासी आदित्य रावत का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए भारतीय अंडर 19 टीम में हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड को मान्यता मिलने के बाद भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में चुने जाने वाले आदित्य रावत पहले खिलाड़ी हैं। हल्द्वानी में वैश्य महासभा की ओर से आयोजित श्री गणेश महोत्सव की तैयारियों को लेकर बैठक की गई, जिसमें आगामी 7 सितंबर को श्री रामलीला मैदान में आयोजित श्री गणेश महोत्सव की तैयारियों के संबंध में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। तो वहीं इस दौरान कार्यक्रम का संचालन महामंत्री कपिल अग्रहरि ने किया। नगर निगम का रानीबाग में मौजूद विद्युत सभागृह 2 से 24 सितंबर तक वार्षिक अनुरक्षण के लिए बंद रहेगा। जिस संबंध में सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट ने बताया कि 8 महीने में यहां 300 मृतकों के संस्कार किए गए हैं, जिसके कारण अनुरक्षण का काम पूरा होने के बाद अब सभागृह फिर से खोल दिया जाएगा। हल्द्वानी के प्रतिष्ठित स्कूल की 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा ने अपने शिक्षक पर छेड़छाड़ और अश्लील संदेश भेजने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में छात्रा ने कोतवाली हल्द्वानी पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसका टीचर उसे सोशल मीडिया और मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें भेजता है। इसके अलावा जब भी वो स्कूल जाती है तो टीचर उसे अनुचित तरीके से छूता है, जिस पर पूरी घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हल्द्वानी में आज मौसम के मिजाज बिगड़े हुए नजर आए। जहां सुबह के समय जमकर बारिश हुई, तो दिन के वक्त तेज चटक धूप आने से उमस ने जीना बेहाल कर दिया। तो वहीं इस दौरान मंगल पड़ाव के हाल बेहाल नजर आए, जिसके चलते नालियों का सारा कूड़ा सड़कों में नजर आया। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।